नमस्कार, मैं महावीर सिंह। मेरे पास जो ये मूर्तियां आप देख रहे हैं, आपने इन मूर्तियों को अक्सर कहीं ना कहीं मंदिरों में देखा होगा। वे मंदिर जैसे ही आप राजस्थान के छोटे से ग्रामीण एरिया में अगर जाते हैं, तो वहां पे आपको हर गांव की सीमा पर इन्हीं मूर्ति ये मूर्ति आपको नजर आ जाएगी। वहां पे जो मंदिर होता है वो होता है मामा जी बावजी का मंदिर, और वो मामा जी बावजी जो राजस्थान के लोक देवताओं में आते हैं, और उनका यह मान्यता है कि उन्होंने स्त्रियों की रक्षा और गौ माता की सेवा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, और उनको एक जुजार के रूप में, एक लोक देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और जो ये मूर्तियां आप देख रहे हैं, मैं आज एक छोटे से गांव हरजी में हूँ, यह जालौर के पास करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इन्हीं मामा जी की मूर्तियों को यहाँ के कारीगर, यहाँ के जो प्रजापत समाज के कुछ कारीगर हैं, परिवार हैं, वो इन मूर्तियों को एक रूप देते हैं। और ऐसा नहीं कि ये मूर्तियाँ केवल जालौर तक ही सीमित रहती है, इन मूर्तियों के खरीदार राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, और इन मूर्तियों की खरीदारी होती है। ये मामा जी की विशेषकर मूर्तियाँ जो यहाँ पे बनी हैं, उनकी डिमांड रहती है, और फिर उनकी यहाँ से ले जाकर धूमधाम से जो मामा जी का मंदिर है जहाँ पे स्थापित की जानी है, उनको इन मूर्तियों को वहाँ पे चढ़ाया जाता है। मेरे साथ इस गांव के जो इस परिवार के लोग हैं जो ये मूर्तियों को बनाते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, जो ऐसे लग रहा है एक मतलब ये मूर्ति न होके एक साक्षात एक व्यक्ति नजर आता है, और जो घोड़े पर सवार है उस टाइप से जो इनका फेस है, हाव भाव है, वो सारे कुछ इनमें नजर आते हैं। मेरे साथ इस परिवार के सदस्य हैं जो इन मूर्तियों को बनाते हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि आखिर इन मूर्तियों को बनाया कैसा जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे बनाते हैं आप, प्रोसेस क्या है? पहले तो माटी वो कूड़े में गालते हैं और भिगाते हैं। उनके बाद में वो लाद वगैरह होती है उनको मिक्स करते हैं। मिक्स करने पर के बाद में उसको वापिस हाथों से मालते हैं। माल कर उसको वापिस एक पीढ़ा बनाते हैं। पीढ़ा बनाने के बाद उनको साग पर घुमाते हैं। घुमाने के बाद पहले पैर तैयार होता है, बाद में पेट तैयार होता है, उसकी गर्दन होती है, नाल होता है, उनका सवार होता है। धीरे धीरे उनका अलग अलग भाग से उनको जॉइंट कर उनका एक रूप हम लोग बनाते हैं। पूरे टुकड़ों में ये तैयार होती है। फिर इनमें कलर वगैरह, हाँ, बाद में फिर पका कर उनको वापिस कलर करते हैं। पकाने के बाद वापिस कलर करते हैं। कलर करने के बाद लोग आते हैं। आने के बाद उनको वापिस जोत करते हैं। जोत करने के ढोल के धमाड़े से पिकअप वगैरह में लेके जाते हैं, और वहाँ मंदिर पे जाकर उनको वापिस उनकी पूरी रीति रिवाज से उनको धूम धूम धाम से करके वापिस उनको स्थापित करते हैं। इनमें जो प्रोसेस रहता है यहाँ पे लेने आने से लेकर वहां पे चढ़ाने तक जो ये है, वो सारा प्रोसेस में यही होता है कि भाई एक ये तरह से ये देवता हैं और इन देवताओं को लेके जा रहे हैं, मतलब मूर्ति न होके ये देवता के रूप में ले जाते हैं इनको। उनको देवता के रूप में ही लेके जाते हैं। जोत करने के बाद में उनका अंश तैयार होता है, वो उनका देव होता है। देव के रूप से उनको वो जैसे कि आते हैं तो वो जैसे समझ रहे कि हम हमारा देव ही लेके जा रहे हैं मंदिर पर। हाँ, ये मूर्ति नहीं समझते वो। मूर्ति नहीं समझते, उनको देव आप समझते कितने हैं। साल से कर रहे हो काम, मैं कर रहा हूँ 20 साल से कर रहा हूँ। कितने कितनी डिमांड रहती है, मतलब कहाँ कहाँ से ऑर्डर आते हैं, कितने दिन में तैयार कर लेते हो? ये तैयार होती है 10-15 दिन लगता है उनको तैयार करने के बाद। उनको बनाते हैं हम लोग, साथ घर बनाते हैं। और परसों मामा जी रहे तो ने मामो जी खुद सपना माविन की तो के आप घोड़ा बनाओ मिट्टी रा, वो विदेश में के सावा पा कर रही हो, ने बाद में वो कम से कम 3 पेड़ी हुई है जो वो लगातार वो घोड़ियों और काम चालू है। यान में करवा वाला कम से कम 10-15 मेंबर है जो सब ये काम में जुटे हुए हैं। मालूम है मैं हजारों में धंधा कर रही हूँ हजीब है। मैं कितना साल अंजी 9 साल से वो धंधा चालू है। यहाँ 12 दिन ग्राहक आ रहा है, ठेठ गुजरात पिन बेजान आ बे बे हाथों की मंडी बड़े 3 दाला लागे।